जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को, जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं, उन सभी को और उनकी फैमिली को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। आज काफी बड़ा त्यौहार है हमारे इंडिया का, तो आप लोग इंजॉय करिए आराम से। आज वीडियो भी आप सभी को एक या दो ही मिल पाएगी, तो वीडियो एक बार लास्ट तक ये वाला जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं न्यू सिक्योरिटी ऐप का यहाँ पर एक कमाल का फीचर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्मार्ट टूल बॉक्स। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप लोगों ने बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर आप सभी को स्मार्टफोन के स्क्रीनशॉट्स, लिंक्स वगैरह सब यहीं पर देखने को मिलती हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में जो हमारा APK वाला चैनल है, इसको और ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, Xiaomi MIUI ऐप ऑपरेटर के नाम से। इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते आप सभी को सिक्योरिटी ऐप का लेटेस्ट यहाँ पर APK देखने को मिल जाएगा, जिसमें न्यू स्मार्ट टूल बॉक्स के फीचर के बारे में बताया गया है। फीचर के बारे में हम लोग बात करें तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला, जो कि आप लोग के सामने ही ऐसे, तो यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऑलवेज शोज, प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग वीडियोज़ के टाइम आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। साथ में जो टूल बॉक्स की जो पोजीशन है, वो आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, कि आपको लेफ्ट में रखना है कि राइट में रखना है। यहाँ पर गेम्स में और वीडियोज़ ऐप के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको न्यू टूल बॉक्स ऐसा देखने को मिलने वाला है। अभी आप लोग देखेंगे जो हमारा जो पुराना टूल बॉक्स आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, पर जो न्यू टूल बॉक्स आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये कैसे इनेबल कर रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में। देखिए हम लोग फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, अब इंस्टॉल कर लेते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पर इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप लोग के सामने ये इंस्टॉल होगा, तो मैं इसको फटाफट से एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है कि जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आपका डिवाइस है ना, उसको एक बार रिबूट कर लेना है। देखेंगे अभी आप, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, मैं इसको फटाफट से एक बार रिबूट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिबूट के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ और रिबूट इसको कर लेता हूँ, जिससे यहाँ पर आसानी होगी। तो मैंने अपने डिवाइस को यहाँ पर रिबूट अप करना स्टार्ट कर दिया, जो कि आप लोग के सामने ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर रिबूट हो रहा है, इतने में मैं रिबूट हो जाने के बाद आपसे आगे मिलता हूँ। तो हमारा डिवाइस है दोस्तों यहाँ पर रिबूट हो चुका है। अब रिबूट होने के बाद एक बार हम अपने डिवाइस को यहाँ पर अनलॉक कर लेते हैं, तो फटाफट से अपना पासवर्ड डालते हैं और डिवाइस को अपना अनलॉक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है वो अनलॉक हो चुका है। अब इसके बाद मैं आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे बड़ा चेंज, जो क्लीनर एप्लीकेशन का जो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं आइकन है, वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। कोई न्यू यहाँ पर आइकन आप सभी को देखने को मिल चुका है क्लीनर एप्लीकेशन का। अब इसके बाद हम लोग फटाफट से सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो वैसे ही यहाँ पर लुक देखने को मिलेगा, यहाँ पर पीछे ग्लो होएगा, जो कि काफ़ी एक अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। अब जो वीडियो टूल जो टूल बॉक्स की अगर हम बात करें, तो आपको यहीं से इनेबल करना पड़ेगा। वीडियो टूल बॉक्स ऊपर आप लोग क्लिक करिए, यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे जो एप्लीकेशन वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम आप सभी को कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे हमने अपने ही चैनल खोल लिया टेलीग्राम वाला, इसके बाद आप सभी को मैं यहाँ पर खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग जरा, कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्वाइप अप करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको टूल बॉक्स बताया था वैसा फीचर यहाँ पर ऐड हो चुका है। पुराना आपको कुछ और दिख रहा था, पर यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जा रहे हैं। और ये वाला चीज़ पहले ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पर दिखा रहा था, बट अब इसके बाद यहाँ पर ये दिखाने लग गया है, जो कि MIUI 12.5 इनहेंस्ड कह लीजिए, चाहिए यहाँ पर MIUI 13 का फीचर कह लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त ये फीचर देखने को मिलता है, बट MIUI 13 में आपको कुछ ऐसा ही टूल बॉक्स देखने को मिलने वाला है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। ये वाला फीचर शायद हटा दिया जाएगा MIUI 13 के अंदर, ये वाला जो बॉक्स है, बट जो ये वाला जो फीचर है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। इसको आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, जो ये आइकन है, ये वाला जो स्लाइड बार है, ये काफ़ी यहाँ पर बड़ा भी हो गया है, तो इसमें काफ़ी एक अच्छा है इसको यूज़ करने में। और यहाँ पर अभी आप सभी को फीचर देख ही सकते हैं, जैसे मैं कोई भी एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पर ओपन करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर मी कम्युनिटी के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो के अंदर जो मी कम्युनिटी है यहाँ पर ओपन हो जाता है, जो कि काफ़ी एक अच्छा लगता है। तो इस फीचर को आप लोग ट्राई करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से इसको आप लोगों ने बस सिंपली डाउनलोड करना है और आप लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा टूल बॉक्स है, ये अपडेट आया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बता रहे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। और एक और चीज़ बता दूँ आप सभी को, जो ये APK अभी सिर्फ बीटा फेज के अंदर है, तो अभी यहाँ पर कुछ फीचर्स सही तरीके से काम नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे जब ये स्टेबल अपडेट आ जाएगा सिक्योरिटी आपका, तो भी आप सभी को वीडियो मिल जाएगी और APK देखने को मिल जाएगा। तो वेट करिए, स्टेबल अपडेट भी जल्दी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल अभी ये बीटा अपडेट में है, तो कुछ फीचर आप सभी को कम देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो के अंदर। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।